नमस्कार, एजेंसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं तरुण। जल संरक्षण को लेकर जिलाधिकारी व उप विकास आयुक्त ने जागरूकता रथ को चंदवा स्थित रिजॉर्ट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जल संरक्षण को लेकर दूसरे दिन भी कार्यशाला जारी रहा। जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त के द्वारा जल संरक्षण अभियान पर आधारित जागरूकता रथ को चंदवा स्थित ग्रीन हेवन रिसोर्ट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही जल संरक्षण पर आधारित दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन का दूसरे दिन भी जारी रहा। आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ में मानव ने अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए एक ओर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की तो दूसरी ओर पानी का बेतरतीब दोहन किया, जिसके कारण सतही जल, भूगर्भ जल एवं वर्षा जल का समुचित संचयन, संरक्षण एवं संवर्धन नहीं हो पा रहा है। जनसंख्या को बढ़ते दबाव एवं बढ़ती जरूरतों ने जल के प्रबंधन के ठोस एवं कारगर उपाय ढूंढने हेतु मानव समाज को सोचने पर विवश तथा प्रेरित किया है। फलतः जल संकट की समस्या पैदा होने के पूर्व ही हमें बहुआयामी जल संरक्षण के लिए रथ रवाना किया गया। ई रिक्शा और रिक्शा भी रवाना किया गया है। ये इसका उद्देश्य सर क्या है? और लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बार हम लोगों ने ई रिक्शा और हाथ पैर रिक्शा के माध्यम से जन जागरूकता के रथ रवाना किया है। इससे हम लोगों ने ध्यान दिया है कि इस बार हम लोग प्रदूषण ना हो, इसलिए हम लोग किसी भी तरीके का मोटर वाला यंत्र नहीं इस्तेमाल किया, जो कि इको फ्रेंडली हो, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने लोकल भोजपुरी में ही यहीं पर लोकल कलाकारों के माध्यम से एक लोकगीत का भी गवाया है, जिसके माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता का प्रचार प्रसार। सर, ये लोकल स्तर पर ये भ्रमण करेगा? अभी जो फिलहाल है, हम लोगों का रथ कोइलवर ब्लॉक और बिहिया प्रखंड में होगा। इसके बाद फिर इसको हम लोग पूरे जिला भर में सभी प्रखंडों में और सभी पंचायतों में हम लोग रूट चार्ट के माध्यम से फैलाएंगे, और जहाँ जहाँ पे जो हम लोगों की दैनिक चौपाल लगेगी वहाँ पे ये रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार।